1 दिसंबर 2018 से फ्री टेलीफोनिक सुविधा आप सभी के लिए शुरू हो रही है और इस सुविधा को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को दबाना होगा, तभी आप चैनल से यह सुविधा मुफ्त में प्राप्त कर पाएंगे और अपने जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर डायरेक्ट मेरे द्वारा आपको मिलेगा, यानी आमने सामने हमारी और आपकी बात होगी और मैं दूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर और उपाय भी ऐसे बताऊंगा जिनसे आप अति शीघ्र अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, घंटी वाला बटन दबाएं और जल्द ही वह नंबर भी आपके सामने होगा जिस नंबर पे मेरी और आपकी बात होगी। बहुत जल्द नंबर भी आपके सामने होगा और दिन और समय की भी जानकारी आपके पास होगी जिस समय में आपकी और मेरी बात हो सकती होगी। और एक और खुशखबरी है आपके लिए, हर महीने हम 5 लकी ड्रॉ को चुनेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे और उन 5 लकी ड्रॉ में से जिनका भी नाम आएगा उनको हम देंगे उनकी राशि के अनुसार उन एक लॉकेट, जो लॉकेट उनके जीवन में प्रगति का मार्ग और बढ़ाएगा, जीवन में चले आ रहे कष्टों को समाप्त करेगा और जीवन में सभी अशुभ परिणाम दूर होंगे और शुभ परिणाम लॉकेट के पहनते ही उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। लकी सब्सक्राइबरों को यह पुरस्कार, यह लॉकेट उपहार स्वरूप मुफ्त में उनके घर कोरियर के द्वारा भेजा जाएगा। तो यदि आप वह लकी विजेता बनना चाहते हैं और आप मुझसे डायरेक्ट बात करके अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं वो भी फ्री में, तो जुड़े चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। शुभारंभ करते हैं आज के विषय का। आज का विषय सिंह राशि, 22 से 30 नवंबर 2018 कैसा जाएगा, चौथा सप्ताह है इस महीने का, उसकी क्या कहती है भविष्यवाणी, इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जहाँ पे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है उसको उंगली से प्रेस कर दें और साथ में ही घंटी का निशान है उसको भी दबा दें और चैनल की तरफ से दी जाने वाली सभी मुफ्त सुविधाओं को पाने के लिए चैनल से जुड़ना आवश्यक है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के विषय का। इस वीडियो के अंत में मैं आपको शुभ अशुभ तारीखों के साथ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को करने से आप अशुभ दिनों में भी शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 22 तारीख को चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे, भाग्य स्थान में चंद्रमा का बैठना शुभ परिणाम देगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा, आप धैर्यहीन नहीं होंगे, धैर्यवान होंगे और भाग्य साथ है तो आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ सकती है। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आप स्वयं प्रयास करेंगे। आज आप थोड़े से तुनक मिजाज हो सकते हैं, बात बात में रूठ सकते हैं लेकिन फिर मान भी जाएंगे। आज आप किसी की परवाह ना करते हुए धन कमाने के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ के लाभ अवश्य कमाएंगे। और आप यदि चाहते हैं कि आपको विदेशों से लाभ मिले, विदेशों से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी बेहतरीन समय है। और आज के दिन आप शांत नहीं रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे और आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश व धर्म से जुड़ी हुई कोई भी यात्रा आप कर सकते हैं, यदि वह पहले से प्लान है तो शुभ होगी। या आज के दिन आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपका वीजा लग सकता है या कहीं जाने की बात पक्की हो सकती है। भाइयों का साथ मिलेगा, अच्छे वाहन मिलेंगे, अच्छा भोजन करने का भी आपको साथ मिलेगा। अब बात करते हैं 23 और 24 तारीख की। चंद्रमा आपके दशम भाव में रहेंगे, आप लोगों के साथ आग चुराते हुए सभी काम पूरे कर लेंगे, यानी आज के दिन आप काफी चतुर रहेंगे, लोग चुटकियां मसलते रह जाएंगे, हाथ मसलते रह जाएंगे और आप काम पूरा करके अव्वल सीट या अव्वल दर्जा प्राप्त कर लेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आप कुछ इस तरीके की प्रवृत्ति या आज आपके अंदर इतनी चुस्ती फुर्ती होगी कि आज आप बड़ी ही जल्दी सभी कामों को निपटाने की हिम्मत रखेंगे और बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज आप बहुत ही क्लेवर होने के साथ साथ आपका जो व्यक्तित्व है वो भी सामने निखर कर आएगा, लोग आपकी बातों में, लोग आपके काम में, लोग आपसे मिलना जुलना पसंद करेंगे, यानी लोग किसी भी तरीके से आपके प्रभाव में आ सकते हैं, यानी आपका जादू सामने वाले पर
चल सकता है। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, आज आप कुछ नए तरीकों से अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे, या आपकी जो प्रेमिका है या प्रेमी है उनको लुभाने के लिए आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिसको करके आप उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे और आपकी कोई वाद विवाद था तो वह भी समाप्त हो जाएगा। तो यानी लव पार्टनर के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भी समय अच्छा है, उनको मनाने के लिए समय अच्छा है, और जीवन साथी के साथ भी आपका प्रेम बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ भी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, तो समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आज आप मेहनत के साथ साथ चतुराई का भी पूरा इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करेंगे और हर मुश्किल काम को समय पर पूरा कर लेंगे, जिससे आपकी प्रमोशन जो ड्यू थी वह पूरी हो सकती है या आपके लिए चयनित हो सकते हैं, व्यापार में मुनाफा होगा, साझेदारी पक्की होगी और साझेदारी में लाभ मिलेगा, आय के नए साधन बनेंगे और छात्रों को भी पढ़ाई लिखाई करके बहुत बढ़िया मौके मिलने वाले हैं और उनकी रुकी हुई सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में होंगे और लाभ भाव में चंद्रमा का बैठना लाभ देगा आपको। आप सभी सुख भोगेंगे, आप सभी शुभ परिणामों के लिए तैयार रहें, आपको सभी शुभ परिणाम अतिशीघ्र मिलेंगे, आपकी जुबान बहुत ही मीठी रहेगी लेकिन कभी कभी बीच में कड़वी भी हो जाएगी, तो कड़वी ना होने दें, इसके लिए थोड़ा सा ख्याल रखें और अपने सभी कामों को गुप्त रखें। हो सकता है आप जोश में होश खो बैठे, पुरानी कुछ सफलता पाने की वजह से आप अपने राज लोगों के सामने बोल सकते हैं जिसका फायदा उठाकर आपको थोड़ी हानि हो सकती है, और शत्रु यदि आपका कोई है और उसने आपके राजों को जान लिया ऑफिस में या व्यापार के क्षेत्र में तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। काम करें चतुराई से करें, बढ़िया तरीके से करें लेकिन चुप रह के करें। आज के दिन आपकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्लानिंग है, उनको जितना गुप्त रख पाएंगे उतना ही आप लाभ कमा पाएंगे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। हो सकता है ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में आपसे पहले आपका सहकर्मी उस काम को करके वाह वाह वाही लूट सकता है। आपको समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। छात्रों के लिए भी समय उत्तम है, कंपटीशन में सफलता मिलने के योग है, विदेशी धरती से भी आप लोग लाभ कमा सकते हैं। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा 12वें भाव में राहु के साथ रहेंगे। यह समय सावधानी पूर्वक बिताने का होगा। मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस समय में आप कोई धन का खर्च ना करें, कोई नया व्यापार ना शुरू करें, कोई स्टार्टअप ना शुरू करें और अपनी पूंजी को गलत हाथों में जाने से रोकें, या आप गलत हाथों में या गलत व्यक्तियों के साथ कोई डील ना कर लें, इस पर भी विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आपकी कमाई हुई राशि, आपका कमाया हुआ धन गलत हाथों में जाने के कारण आपको हानि हो सकती है। शुभ कामों को करने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें, सलाह अवश्य ले लें। आपकी सेहत पर भी खर्च बढ़ सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अन्यथा आपकी सेहत आपको एक लंबे खर्चे में डाल सकती है। आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है और शारीरिक पीड़ा होने के कारण और धन खर्च ज़्यादा होने के कारण आपको डबल मानसिक पीड़ा हो सकती है। पैसों का इंतजाम करने में आपको परेशानी आ सकती है, तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। आप अपने आप को आपके अपने धोखा दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, पत्नी के साथ या पति के साथ पैसों को लेकर छोटा मोटा विवाद संभव है, यहाँ पे भी थोड़ी सावधानी रखें। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में होंगे, चंद्रमा प्रथम भाव में होंगे, यह समय उत्तम रहेगा, बढ़िया रहेगा, आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास में निखार आएगा, जो परेशानियां चली आ रही थी वह दूर होंगी और अचानक से आपको धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके पारिवारिक विवाद दूर होंगे, पत्नी से या पति से चल रहे विवादों में बहुत कमी आएगी और धीरे धीरे समय अनुकूल होगा, शाम होते तक आप दोनों लोग प्रेम भाव में या प्रेम वाली नाव में गोते अवश्य लगाएंगे, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और आप दोनों लोग एक दूसरे को गिफ्ट का आदान प्रदान भी कर सकते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप दोनों के लिए, प्रेम संबंध के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए समय उत्तम रहेगा और आपकी नई योजनाएं नौकरी में आपको सफलता दिलाएंगी, आपकी नई प्लानिंग्स, नई योजनाएं, नई रणनीति आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की दिलाएगी, आपके बॉस आपसे काफ़ी खुश रहेंगे, वह आपको पसंद करेंगे और वह खुद आपसे कहेंगे कि आप दी बेस्ट हैं, आप बढ़िया हैं, इसलिए हमारे साथ हैं और आप ऑफिस में अपना रुतबा कायम कर
कर पाएंगे। छात्रों का मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा और वो अच्छी तरीके से अपने कंपटीशन की, अपनी जो जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके विषयों की तैयारी कर पाएंगे। उनके लिए भी समय बढ़िया है। खरीदारी के लिए आप मार्केट जा सकते हैं, घर से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वह ला सकते हैं, घर की साजो सामान के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, घर का छोटा मोटा इंटीरियर करा सकते हैं या फिर घर के और सुख सुविधाओं की चीज़ों पर पैसा खर्च करके आप परिवार के साथ उसका लाभ उठा सकते हैं। और यह पैसा जब आप खर्च करेंगे, जब आप उसके सुख को भोगेंगे तो आप आनंदित होंगे, परिवार के लोग भी आपको थैंक यू बोलेंगे। यदि आपके परिवार में कोई अविवाहित कन्या है या लड़का है तो उसके लिए भी मांगलिक कार्य या कहें कोई शुभ समाचार, विवाह प्रस्ताव मिल सकता है या वहाँ से हाँ आ सकती है जो आपकी खुशियों को डबल कर देगा। और आपके घर में छोटा मोटा फंक्शन, चाहे घर परिवार के लोग ही क्यों ना करें, वह भी संभव है, यानी घर में थोड़ा सा खुशहाली का माहौल हो सकता है। आपकी मित्रता, साझेदारी, प्रेम संबंध, विवाह संबंध, सारे संबंध आपको फलित होंगे और यह शुभ परिणाम आपको प्राप्त करेंगे। आपका मूड खुश रहेगा, आप रोमांटिक रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप अच्छे अच्छे गाने गुनगुनाते हुए दिन को बिताएंगे और खुद को प्रसन्न रखेंगे और सामने वाले को प्रसन्न रखेंगे। अपनी जरूरत का सामान भी आप जुटाएंगे, खुद के ऊपर भी पैसा खर्च करेंगे और अपने से जुड़े लोगों के ऊपर भी धन खर्च करके उनको प्रसन्न करेंगे। यानी यह समय अच्छा है, मौज मस्ती का है, आनंद लेने का है, हर तरीके से अच्छे समय का उपयोग करें। जीवन में अच्छे समय बहुत ही कम आते हैं, तो आप उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। आपके लकी डेज रहेंगे 29, 30, 22 तारीख, तो बाकी दिनों में आपको सावधान रहना है। तो उम्मीद करता हूँ यह सप्ताह आपको और बेहतर बीते इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ। आपको चांदी या चावल का दान देना है, आप दोनों का दान दे सकते हैं, अन्यथा आप किसी एक चीज़ का दान दे सकते हैं। इससे आपको अशुभ परिणाम कम होंगे, शुभ परिणाम मिलेंगे। आप किसी मंदिर में जाके पुरोहित को या धार्मिक स्थान में जाकर अपनी जेब के अनुसार यथासंभव चावल का दान करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। यदि आपकी जेब अलाउ करती है तो चांदी का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम लेके अवश्य आएगी। आप सभी लोग चैनल से जुड़े, मुफ्त सुविधाएँ पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ। हरिओम, नमस्कार।